जी नमस्कार, मैं अलका श्रीवास्तव महिला कोऑपरेटिव फाउंडर चेयरपर्सन हूँ। लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक से ग्वालियर में मैंने स्थापित किया है, जिसमें आज करीब 800 महिलाएं मेरी वेमेन मेंबर हैं और हम फाइनेंस करते हैं गरीब महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, आंगनवाड़ी की महिलाओं को, और हमने उन्हें गाड़ियाँ भी दी हैं, जो फोर व्हीलर गाड़ी आयरिस की है, टाटा आयरिस, और उसमें वो महिला जो गरीब हैं, घूंघट वाली महिलाएं हैं, अनपढ़ महिलाएं हैं, उनको गाड़ी चलाना सिखाया है, जो आज शहर में जी उससे अर्न कर रही हैं और बहुत उनका अच्छा जीवन यापन, और अपने आप में गर्व महसूस करती हैं कि हम फोर व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं शहर के अंदर। उसमें सिर्फ लड़कियाँ ही बैठती हैं, उसमें पुरुष को अलाउड नहीं है। हम उनकी पूरी मतलब हम उनकी जाँच रखते हैं कि कहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो हम बैंक से और कंप्यूटर से उनका पूरा देखते रहते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, और हम उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं। और ऐसे ही महिला बैंक के थ्रू हमने इसे अनेकों ग्रुपों को, जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार के लोन देकर उन्हें हमने एक आत्म सम्मान के साथ जीना सिखाया है, और उन्हें हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत सारे हम ट्रेनिंग्स कराते हैं, उन्हें साक्षर भी बनाते हैं, उन्हें सिग्नेचर करना, जो बहुत सी वृद्ध महिलाएँ खाता खोलने आती हैं तो वो सिग्नेचर नहीं जानती हैं, हम अलग से उनको सिलेक्ट करते हैं, क्लासेस लेते हैं और उनको हम साक्षर करते हैं और उनके सिग्नेचर करना सिखाते हैं, अवेयरनेस लाते हैं कि किस तरीके से खाता क्या होता है। स्कूलों में जाकर, खास तौर से कॉलेजों में जाकर, जो छोटे बच्चे भी हैं, जो 12th क्लास और 10th के, उनको हम बचत खाता या FDR या क्या होता है उसका भी प्रोजेक्टर के थ्रू हम जगह जगह जाके सारे कॉलेजों में उनको अवेयरनेस करते हैं कि किस तरीके से होता है। सब्जी मंडियों में, मछली बाज़ार में, रस्सी मंडी में, इन सब चीज़ में जा जाकर हम उनको गुल्लक के द्वारा उनको एक भावना देते हैं कि बचत क्या होती है और उसके बाद वो इस किस तरीके से काम कर सकती हैं, और उसको हम ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। दिल्ली में NCOI, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है, वहाँ पर हम उनको बुलाकर ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हम नागपुर या कहीं भी किसी भी स्टेट्स में अगर कोई ट्रेनिंग होती है उसके लिए हम महिलाओं को भेजते हैं और बहुत गर्व महसूस करते हैं जिसमें हम जी। मैम, आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी भी बस ये सोच में है कि वो कुछ अचीव करना चाहती है, आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपने ड्रीम को परसू करें? देखिए, उनका ड्रीम तभी परसू होगा जब वो समाज के अंदर अपनी स्थिति को आर्थिक रूप से समर्थ कर पाएंगी और उनका स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो समाज में वो जीना नहीं सर्वाइव कर पाएंगी वो, और समाज में, परिवार में, और उनको हर स्थिति में उनको एक ऐसा रूप अपना रखना चाहिए, अपने अंदर की नारी को जगाना चाहिए, अपने अंदर की शक्ति को समझना चाहिए कि हम क्या हैं, और तभी वो पुरुष से बहुत आगे हैं, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को पहचानें और उसको काम करें और अपनी एक समाज में अपना एक स्थान बनाएं और बताएं कि नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला दिवस जिंदाबाद।